तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपने प्रीवियस व्लॉग में देख लिया होगा कि हमने कितना एडवेंचर किया और कितना मज़ा किया खूब सारा हाटू पीक के रास्ते में, तो वो व्लॉग अभी वहीं पे ख़त्म नहीं होता, उसके आगे की स्टोरी आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगी। सो एक चीज़ पहले मैं बता दूँ कि अगर आपको अच्छा लगा प्रीवियस व्लॉग तो एक कमेंट और एडवांस में लाइक कर दो। जब पिछला इतना अच्छा है तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपके भाई ने इतना अच्छा ही अगला व्लॉग भी बनाया होगा। ये आई नो सर्दी है, बट सर्दी इज टेम्परेरी, स्वैग इज परमानेंट। तो एडवेंचर हमारा खत्म हो चुका है और हाटू भी पैदल वापिस से ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। हाटू यहाँ से 3 किलोमीटर है, सो अब हम ट्रैक कर रहे हैं और देखते हैं कितना जा पाते आगे, और हम आपको दिखाएंगे पूरा। तो स्टे कंटिन्यू टू माय वीडियो। I'm on vacation every single day cuz I love my occupation. I'm on vacation. If you don't like your life then you should go and change. वो बहुत ज्यादा थक चुके हैं, इन्हें देख के लगता है कि ये बाहर से और मैं लोकल हूँ, जबकि मैं बाहर से हूँ और ये लोकल है। भाई सीखो कुछ मेरे से, सीखो, मैं आगे हूँ आप पीछे हो। सो बस जस्ट अभी 1 किलोमीटर बचा ना ऊपर, हाँ तो बस अभी जस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर के राउंड में डिस्टेंस कवर करना है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे हाटू पीक टेंपल पे एंड उसके हम आपको सीन्स दिखाएंगे। गाइस बहुत आनंद आ रहा है यार, आपको भी आना चाहिए। लेकिन ये वीडियो अगर आपको लग रहा है कि बहुत कुछ देख चुके हो तो आप गलत हो, क्योंकि असली फन अभी बाकी है। यहाँ पे एक जगह है, हमारे ग्रास लैंड है एक बहुत बढ़िया, उसको पता नहीं कुछ तो जुबड़ बोलते हैं, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में आगे, वो देखने लायक जगह है। तो भी सीधा हेड करते हैं ऊपर के लिए। कम ऑन, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। गाइस ये देखो पूरा शीशा बन के निकला है गाड़ी का शीशा, वो बहुत मोटा शीशा भाई, ये कम से कम 1 इंच मोटा है, 1 इंच मोटी परत है ये। और यहाँ पे पानी नीचे वाला ये गंदा है, छोड़ इसको मत पियो, साफ है वो, मैंने पहले उनसे दिखा था, सोचा था इसके अंदर पानी होगा बहुत सारा तो हम पी सकेंगे मतलब, और लेकिन ये फ्रीज हो चुका है और पीने के लायक लग भी नहीं रहा अब तो, और अब तो पी भी नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है और फ्रीज हो चुका है। आप देखते हैं पूरा फ्रीज हो गया, एकदम शीशे की परत बन चुकी है उसकी, तो कुछ ऐसा सीन्स है। तो गाइस यहाँ पे गाड़ी के शीशे ठीक करवाए जाते हैं। हाँ, यू वांट टू सी दिस, dragta automobiles here, dragta automobiles, ये अपना गैराज, मात्र 500 रुपए का शीशा, और देखिए शीशे को कोई पता नहीं लग रहा कहाँ शीशा है। ये जो स्नो है ये मुश्किल से 2 फुट है, और देखो कितना प्यार अंदर जा रहा है, और ये जो स्नो है ये तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 फुट गहरी है, 4 से 5 फुट गहरी बर्फ, यहाँ पे मैं जाने का रिस्क ले ही नहीं सकता। एक बार हैव अ लुक, हमारे शूज का क्या हाल हो चुका है, पूरे झाड़ने के बाद भी बिल्कुल नहीं हट रही बर्फ किसी भी शूज से। यहाँ से हाटू बसता है ओनली 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं एंड वी हैव द बोर्ड ऑफ हाटू माता टेंपल, जिसमें लिखा है कि 1 किलोमीटर है, और पोस्टिंग एक और टेंपल है यहाँ पे साथ में 400 मीटर्स पे खड़ी। तो अभी हम हाटू पे जाएंगे, मेन स्पॉट हमारा हाटू है, तो लेट्स गो। भाई क्या अपडेट है सर? अपडेट ये कि अब 750 मीटर्स और है। चलो भाई की बात पे हम ट्रस्ट करते हैं, ऐसे भी हम पिछले काफ़ी देर से
बस यही सोच के चले थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और अब सच में थोड़ा और बचा है। दिस इज द बेस्ट टेक्निक गाइस, अगर कभी आओ तो बस सोचो कि बस इतना और थोड़ा और थोड़ा। कभी कोई पूछे आपसे तो कभी इतना मत बोलना, नहीं भाई 2 किलोमीटर एक थोड़ा सा और बचा है भाई, उसका हौसला बढ़ाइए आप हमारे जैसों का। हाँ गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बहता हुआ पानी पूरा कितना जम चुका है, ये ऐसे खा दे इसको ये पूरा देखिए कितना जम चुका, और ये तो पूरा टहनी पे जम गया है पूरा पानी। गाइस हाँ बोलो। सो गाइस फाइनली पहुँच गए, हमारी मेहनत रंग लाई, हमारी ट्रैकिंग रंग लाई, बेशक थोड़ा टाइम लगा लेकिन जो मज़ा आपको पैदल ट्रैक करने में वो गाड़ी से आने में बिल्कुल नहीं है। तो मेक श्योर कि आप पैदल आएँ अगर आपको ज़्यादा एडवेंचर करना है, तो अभी प्रेफर करोगे हाँ थोड़ा थकोगे लेकिन जो एडवेंचर आप करोगे वो शायद आप ज़िंदगी में कभी भूल ना पाओगे, इतना प्यारा एडवेंचर है। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ एज ए विज़िटर, सो मेरे से पूछो भाई, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है। तो अभी मंदिर पहुँच गया, तो मंदिर का सीन देखो, हाटू पिक पहुँच गया और शॉर्ट्स आप देखे इंजॉय करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा, इतना एफर्ट्स कर रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी चलो अब आगे चलते हैं। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ हाटू पीक टेम्पल, तो अभी चलते हैं अंदर। जैसे तैसे करके हम हाटू पीक पहुँच चुके हैं और ये मेरे पीछे हाटू टेम्पल है और फिलहाल ये कवर करके रखा हुआ, आई डोंट नो व्हाई। सो देखते हैं अब अंदर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, वो तो अभी देखते हैं। बाकी आप व्यू एक बार चेक करें, बहुत ही अच्छा है, प्यारा है, फोटोग्राफ्स भी काफ़ी अच्छे आएंगे। सो आप एक बार सिनेमैटिक्स एंजॉय कीजिए व्यूज़ का और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा, सो ताकि मेरे एफर्ट्स थोड़ा रंग लाएं। शूज़ देख लो क्या स्लिप हो रहा है भाई, पूरा गिरने का एकदम, बर्फ की परत जम गई है। गाइस फाइनली हम हाटेश्वरी टेम्पल के अंदर आ चुके हैं और मुझे नहीं पता यहाँ कैमरा अलाउड है कि नहीं, फिर भी मैं शूट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं। सो आप जस्ट सिनेमैटिक सिनेरियोस एंजॉय कीजिए और बस एंजॉय कीजिए। सो मंदिर जी के दर्शन के बाद अभी प्लान है यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करने का और नाटी करने का। सो हैव अ लुक टुवर्ड्स माय नाटी, मुझे आती नहीं है तो ये लोग सिखाएंगे और मैं ट्राई करूँगा कि मैं अच्छे से करूँ। सो देखते भी क्या होता है। ओ दो भैया कहाँ से भैया? तो दिल्ली से भैया दो है, ये भी हमें नाटी में ज्वाइन कर रहे हैं। ठंड पानी रा नाड़ा बलिए आपू बेगिए तो जोरी देिए तेरा खोलिया काड़ा बलिए आपू बेगिए तो जोरी देिए तेरा खोलिया काड़ा बलिए। एडिटिंग कर देंगे हम इसमें। इन भैया को सर्दी का कोई खौफ नहीं है। लोगों ने अपनी खुशी से हो रही है ना, वही ये दिखा दो अपने अब दिखा भैया उठ उठ। तो भाई साहब
आइए भाई के नंगे बदलते बर्फ रगड़ी है का नंगा नाच भी देखने को मिलेगा। तो ओके गाइस हम हाटु पीक आ चुके हैं, दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा एक ही मोटो है वो टाइम से नीचे पहुंचना है क्योंकि हमें ऑलमोस्ट चार यहीं बज चुके हैं और मौसम आप देख सकते हो पूरा एकदम से भयंकर सा स्नोफॉल वाला हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि मैं रास्ते में फंसूं। और आप भी जब भी आए तो एक पक्का शेड्यूल लेके चले ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। और शेड्यूल यहाँ पे फेल हो जाते हैं सारे, तो इतना भी मत लेके चले जैसे हम भी शेड्यूल लेके चले थे। शुक्र है हम काफी जल्दी आए, हम सुबह 8 बजे निकले थे। तो गाइस दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो भाई के लिए भी, एंड प्लीज भाई को बहुत सारा सपोर्ट करो। अगर आप चैनल पे आए हो और आपने ये देखा कि द्रागता जी आए चैनल पे भाई, तो कुछ तो बात होगी इस बंदे में। ही इज सच अ नाइस गाय और बहुत अच्छी वीडियोस बना रहा है भाई। कीप अप द स्पिरिट भाई। और मेरे साथ यहाँ आना मतलब मजाक तो नहीं था बिल्कुल भी, तो तुम्हारे में दम है भाई बिलासपुर वालों में। तो जाओ बिलासपुर वालों ढेर सारा प्यार दो और शिमला वालों खास कर प्यार दो मेरे भाई को। देखो बिलासपुर वालों हमने अब शिमला आके बिलासपुर का नाम ऊंचा किया है, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि अब तुम शिमला की ऊंचाइयों पे भैया। हाँ शिमला का सेकंड सबसे हाईएस्ट पीक पे आ चुके हम, तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप शेयर लाइक कमेंट सब्सक्राइब और जो भी कुछ करना वो करो जल्दी से और वीडियो वायरल करो बस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ गाइज आई ट्रस्ट यू कि आप मेरे 1K सब्सक्राइबर्स आराम से इजीली क्रॉस करा दोगे इस वाले व्लॉग के एंड तक। सो प्लीज 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 बहुत सारा भर के एफर्ट्स लगाया है हमने, तो आप भी जरा शेयर कर दीजिए, बिलासपुर वालों सपोर्ट करो और कहीं से भी मतलब सपोर्ट करो और 1K तो एटलीस्ट पार कराओ प्लीज।